दाऊ वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय अंजोरा दुर्ग में अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर बैठे कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल कर जालीन आमरण अनशन करने की चेतावनी दी। समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ लघु वेतन शासकीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ दुर्ग के बैनर तले मंगलवार से अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल एवं 24 नवंबर से दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी दिनेश कुमार वर्मा के द्वारा आमरण अनशन किया जाने को लेकर काम बंद हड़ताल पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत 151 दैनिक वेतन भोगी कार्यरत हैं, जो कि 2013 से 2020 तक न्यूनतम वेतन से कम वेतन प्रदान किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ शासन न्यूनतम वेतन अधिनियम का उल्लंघन है। इस संबंध में सहायक श्रम आयुक्त एवं मुख्यमंत्री निवास द्वारा वेतन कटौती को नियम विरुद्ध मानते हुए वेतन कटौती की 125 करोड़ की राशि वापस करने हेतु आदेशित किया गया है। वहीं एक वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी वेतन कटौती की राशि एरियर्स के रूप में भुगतान नहीं की गई है, साथ ही अन्य मांगों के संबंध में संतोषजनक कार्रवाई नहीं किए जाने से आक्रोशित कर्मचारियों ने अपनी सात सूत्री मांगों के संबंध में काम बंद एवं हड़ताल की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।